रिस्पॉन्ड इज लाइक केरी टीचर को ऑफिशियली 4,477,000 बार परेशान करने के बाद आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी और को परेशान करने वाली हूं। लाइक परेशान करना तो मेरा रूटीन बन चुका है। तो चलो फिर आज हम किसको परेशान करने वाले हैं? हम परेशान करने वाले हैं उस चिड़िया को जो स्केरी टीचर के सर पे मंडराती रहती है, आई मीन फ्रांसिस को। स्केरी फ्रांसिस के घर चलते हैं, मिस्टर स्ट्रेंजर को परेशान करते हैं और दिखाते हैं कि हम में है कितना दम। आर यू रेडी? अगर आप रेडी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर इस वीडियो पे आते हैं 100K लाइक तो हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी से लेके आएंगे। चलो फिर नए प्रैंक स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो नेबर जो है आज करने वाला है अपने आप के साथ पार्टी। ओ बड़ा अपने हाथ में लेके आया बारबेक्यू करने के लिए चीजें। मुझे लगता है मिस टी को बुलाने वाला है पार्टी पे। इसकी पार्टी का तो हम आज बुरा हाल करने वाले हैं। लेट्स गेट इन, देखते हैं इसका घर कैसा है। मिस्टर नेबर, आय हाय हाय, मिस्टी से ज्यादा बुरा घर नहीं बना रखा, ज्यादा अच्छे बनाया है एक्चुअल में। बाहर से तो बढ़िया लग रहा है। ये डायनामाइट उठाते हैं, फायरवर्क इसके बारबेक्यू सेटअप के अंदर डालते और आग लगा देते हैं। आग लगा देंगे। आप देख ही जाओ, ऐसे ऐसे प्रैंक्स करने वाले हैं फ्रांसिस पे कि फ्रांसिस मिस टी के साथ हैंग आउट करना भूल जाएगा। हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। और अब मैं छुप चुकी हूँ। लेट्स सी, मिस्टर फ्रांसिस आ गए हैं अपने बारबेक्यू को एंजॉय करने। कह रहे अरे यार, मैं तो ऐसे नहीं करके गया था, पता नहीं क्या हो गया। चलो फिर इसको लाइट अप करते हैं। लाइट अप। मिस्टर फ्रांसिस के टांग पे पड़ा डंडा। मिस्टर फ्रांसिस हो गया बेचारा। बड़ा मजा आ रहा है यार। मिस्टर फ्रांसिस तेरे साथ तो फन करने में बिल्कुल मिस्टी से भी ज्यादा मजा आ रहा है। लेट्स डू इट अगेन। फ्रांसिस ने देखो गोरिल्ला को कैद कर रखा है। ये पूरी इसको ना टीचर टी की संगति का असर आ गया है। अभी इन दो बंदों को तो ना मैं देखो क्या मजे चुका हूँ। देखो कैसे एनिमल को मार रहा है। हाय, गोरिल्लों के सामने से बचा रहा है यार। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसी गोरिल्ला से अटैक कराती हूँ फ्रांसिस को। बदतमीज आदमी, इसको पता भी नहीं एनिमल्स को कैसे ट्रीट करते हैं। बट मुझे भी केयरफुल रहना पड़ेगा गाइस, क्योंकि गोरिल्ला काट सकता है। एंड ये पता नहीं क्या था। ओके, बनानास उठा लेते हैं, हमारी काम की चीज है। और ये चाबी पड़ी है साइड पे, हम ये भी उठा लेते हैं। इसी से हम गोरिल्ला को अनलॉक करेंगे। बट उससे पहले हम इसे खाना देते थे, बिकॉज अगर इसे खाना नहीं मिला तो मुझे भी खा सकता है। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं इसका लंच बनूं। ये देखो क्यूटी सा गोरिल्ला बिजी हो गया खाने में। एंड हमने चाबी को दिया। रन, फ्रांसिस आ रहे हैं, भागते हैं, छुपते हैं इससे पहले कि फ्रांसिस हमें देख ले। ये भी कौन सा काम है टीचर डी से। इक्वली दोनों शैतान के चाचे चाची हैं। चलो चलो चलो, यहाँ पे छुप जाते हैं। और राइट, ये देखो, ओ मैन, गोरिल्ला ने अटैक कर दिया। इधर धोबी पछाड़े, इधर पछाड़े। गोरिल्ला बी लाइक, आज ही ना छोड़ेंगे तुझे दम। ओ माय गॉड, फ्रांसिस कच्चे में भाग रहा है और गोरिल्ला ठग लाइफ। और तो बड़ा अल्टीमेट है। एक और प्रैंक करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी लेजी आफ्टरनून है। ये देखो गोवा बन के, गोवा के अवतार में आए हैं बादशाहों की प्लान श्लान है। और ये बर्ड्स को परेशान कर रहा है, देखो निशानेबाजी कर रहा है और अपने हैमॉक को जाके ले लिया। ये सही है यार, इसका मतलब बंदा अपना जम बन करे घर में ही रिलैक्स गोवा बन के लेट जाता है गोवा वाले बीच में। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इसके हैमॉक के साथ पंगे लेने वाले हैं, इसका हैमॉक खराब करेंगे। चलो 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 जल्दी से चलते हैं, अभी तो बिजी है अपनी फालतू की अड़ंगों में। आज मुझे लगता है वो आगे समझ आ गया। भागो भागो भागो, अरे भागो रे, न्यूज़पेपर लेके भाग रहे यार। ये तो टीचर डी से सीख के आया है सब कुछ। टीचर डी ने सब सिखाया हुआ है इसे कि जब बच्चे आते हैं कैसे परेशान करना है, कैसे उनके पीछे भागना है, कैसे मारना है। ये दोनों ना ये मिल चुके हैं, एकदम पागल हो चुके हैं दोनों एक साथ, एक दूसरे की कंपनी में रह रहे के पागल हो चुके हैं। ये देखो कहीं ना कहीं यहीं कहीं पे देखना टीचर डी का घर होगा। अब बना बड़ी सही जगह पे हुआ है, ये देखना लोकैलिटी बड़ी अच्छी है यार। फ्रांसिस कम नहीं है तो टीचड़ी से देखो खड़ा है। मैं छुपी हुई हूँ यहाँ पे आराम से, तो आराम से अंदर जा फ्रांसिस, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन वेट हेयर, मैं तेरे पे प्रैंक करके रहूंगी। तेरा गोवा की पार्टी का सीन तो मैं खराब करूंगी। वैसे भी लोगों की गोवा की पार्टी का सीन तो कामयाब होता नहीं, हम भी इसकी पार्टी कैसे सक्सेसफुल होने दे सकते हैं। लेट्स गो, अब चला गया अंदर, अब हम चलते हैं। ऑलराइट, चुपचाप चोरी छुपे दबे पैर हम जा रहे हैं इसके गार्डन्स में से। कितने ब्यूटीफुल गार्डन्स, प्लांट्स लगा रखे हैं इसमें। एक्चुअली मुझे ना काफी सिमिलर लग रहा है टीचर डी के, बट यहाँ पे जब हम जाते हैं टीचर डी के घर, आई थिंक यहाँ पे सोना वाला सेक्शन आता है। ओ मैन, व्हाट अ पूल, आई लाइक इट। जितना हम खेलते जाएंगे इसका घर एक्सप्लोर करेंगे, काफी मजा आने वाला है ये सीरीज खेलने में। ओके गाइस, हमें मिल गई है शुगर, इस जार के अंदर शुगर है, हम इसे डालने वाले हैं अब हैमॉक के ऊपर फ्रांसिस के। लेट्स
शुगर को इसके ऊपर पलट दिया है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बड़ा बड़ा, एक्चुअली जार लिखा है बट दिनों ये शुगर है। इसके ऊपर पिलो लगा के हम भाग रहे हैं क्योंकि अब इस पे होने वाला है किडनी अटैक। आ जाओ फ्रांसिस, फिर से अपने कपड़े चेंज करके लेट गया, लेट गया। ओ भाई चींटी की गैंग आ रही है, चींटी की गैंग डांस करते हुए आ रही है। पॉप पावर पॉप 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 पॉप। ओ भाई चींटी की गैंग क्या गाने बजा रही है यार, गिरा दिया फ्रांसिस को। ओ भाई उसे लेके जा रही है अपने साथ, पैक 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 कॉफिन डांस कर रही है। बॉय क्या गेम है यार, क्या इज्जत से गर्ल। ओ माय गॉड फ्रांसिस कॉफिन के अंदर है गाइस, इट्स सो फनी। और चींटी कितनी क्यूट है, आई लव यू चींटी। ओके गाइस नेक्स्ट प्रैंक है, ओ माय गॉड देखना जरा फ्रांसिस यार, इसको क्या खेलने कूदने का शौक है, इतना बड़ा हो गया फिर भी ये देखो ट्रेन ट्रैक बना के घूम रहा है। अरे यार फ्रांसिस थोड़ा तो बड़ा हो जा, मिस्की ने तेरे को क्या सोच के पसंद कर लिया, एक्चुअली मिस्की भी तेरी जैसी एकदम बेवकूफ। चलो फिर ऐसा करते हैं, जिसको ना अच्छी रेलगाड़ी की सैर कराते हैं, बड़ा शौक है ना इसको रेलगाड़ी चलाने का। ये देखो अभी आ रही हूँ मैं पीछे, हो जा सोने ओ तेरी रेलगड्डी आई। ओके गाइस लेट्स गो। एंड यार कसम से काफी अच्छा घर लग रहा है मुझे इस बंदे का, ये सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी की हेल्प से ऊपर चलते हैं। और डियर ट्रैप पड़ा है इसने भी, और मिस्की की तरह सेम चीटिंग करता है, चीटिंग चीटिंग करता है। उसके ऊपर सर पे फेंका मैंने डियर ट्रैप, पर इसको दिखा नहीं यार, इसकी आंखें खराब है शायद। कोई बात नहीं हमारे लिए अच्छा है ये वाला ट्रेन, हमें यहाँ से नहीं जाना है ट्रेन ट्रैक पे, हमें यही वाला खराब कर रहा है। लेफ्ट पे इस कमरे के अंदर चलते हैं एंड यहाँ से चीजें ढूंढते हैं, पता नहीं इसने कहाँ कहाँ चीजें छुपा के रखी है। ये एक्चुअली काफी नया घर है ना मेरे लिए, देखो स्क्रू ड्राइवर मिल गया इसे उठा लेते हैं। एंड ये फेविकोल पड़ी इसे भी उठा लेते हैं, चकते फटते नपते किल्ली शामी दोपहर लट शामी दो शामी दिल्ली। अरे यार पता नहीं क्या होता है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस। यहाँ से लिवर थोड़ा सा इसके डायरेक्शन चेंज करते हैं ट्रेन की, आज कहीं और ही पहुंचने वाला है ये, लंदन की जगह टोक्यो पहुंचेगा, एक्चुअली इसे चाइना ही पहुंचा देते हैं। ऑलराइट इस ट्रेन के ऊपर लगाते हैं ग्लू, अब ये यहाँ पे बैठेगा और इसकी तो पोंपो फिश होने वाली है। एंड स्क्रू ड्राइवर से करते थे इसका थोड़ा सा काम तमाम। ऑलराइट गाइस हमारा प्लान एकदम सेट है, अब आने वाला है मिस्टर भूंदू। एंड अरे यार बड़ा सही नाम निकला है भूंदू, हाँ हम इसे बोलेंगे मिस्टर भूंदू। मिस्टर भूंदू आ जाओ आ गया, ये देखो ट्रेन के चल रहा है, तेरी शावा शावा बल्ले बल्ले, देखो हवाओं में उड़ रहा है। हवा के झोंके आज फ्रांसिस को लूट गए। नाचते को यार इसका हाल तो मेरे मिस्टी से भी ज्यादा बुरा है। मिस्टर भूंदू आई एम नॉट सॉरी एट ऑल, आई एम नॉट सॉरी, तुम्हारे अपनी कंपनी चेंज करो, तुम मिस्टी को छोड़ो उसके बाद सोचेंगे। और इसको ना बंदूक चलाने का बड़ा शौक है इसकी, आज मैंने बंदूक की भी ना देखो, ये देखो कैसे पोलर बियर की स्किन लगा रखी है गाइस, इतना बुरा है, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हंटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कितना गंदा है देखो, कैसे हंस रहा है, जीभ दिखा दिखा के। देखो अब मैं फ्रांसिस का क्या बुरा हाल करती हूँ, सदियों तक हंटिंग का नाम नहीं लेगा, इसको छुपा दी इसने अपनी गन और मैंने देख लिया। लेट्स गो गाइस लेट्स गो इनसाइड, क्या गाड़ी खड़ी करी है और इसने क्या लाविश हो, लायन के स्टैचू एनिमल से ज्यादा इसको प्यार भी और नफरत भी है। और चलते हैं अंदर एंड ऊपर चलते हैं इसके घर के अंदर, ये ना आ जाए बस। ओहो ट्रेडमिल कर रहा है भैया जी, भूलू जी एकदम ट्रेडमिल पे लगे हुए हैं, कह रहे हैं मिस्की को इम्प्रेस भी तो करना है मैंने। और देखो स्किन कैसे टंगी हुई है यहाँ पे, लेट्स शट दिस, यहाँ पे ढूंढते हैं यार कहीं पे कोई हेल्प मिले हमें, कुछ मिलता है नहीं मिलता है। ऑलराइट गाइस इस कमरे के दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा, अभी हमें ये घर थोड़ा नया लग रहा है, नई नई चीजें नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद तो हम इस पे बाएं हाथ के खेल से फ्रेंडली। कोड चाहिए हमें, इस पे क्या कोड है, और ये कोड भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा है, ये येलो स्टिकी नोट पे मुझे लग रहा है यहाँ पे नोट पे हमें मिलेगा कोड। ओके 9437 इज द कोड गाइस, वी हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज हमें इसी की हेल्प से इसकी गन को टेम्पर करना है। और ये कोड डालते हैं 9437 एंड इसके अंदर चलते हैं अच्छा ये कोई ऐसे ताबूत नहीं है, इसके अंदर इसकी गन पड़ी है, इस गन के अंदर हमने इसका पाउडर चेंज करना है। और राइट हमने डाल दिया पाउडर, बुलेट्स लोड कर दिए। देखो फ्रांसिस तुम्हारी बैंड बचने वाली है, लेट्स क्लोज इट एंड रन बिफोर मिस्टर वोदू कम। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, आने वाला है शैतान का चाचा आला आला फ्रांसिस शैतान का साला। ओके गाइस ऑलराइट हम ये देखो कैसे दबे पैर जा रहे हैं, देखो कैसे मतलब कितना शैतान बंदा है, कह रहा है कि मैं मतलब चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं, देखो कितनी क्यूट सी येलो चिड़िया है उसको मारने लगा है, होप ना
इसकी गन फट गई। प्रैंक फेल? शिट, मेरा प्रैंक कैसे फेल हो सकता है? तो ऑलराइट, कोई बात नहीं गाइस, हम फिर से एक बार चलते हैं, एक बार फिर प्रयास करेंगे। फिर से देखो ट्रेडमिल पे लगा हुआ है, हम अंदर चलते हैं। ऑलरेडी से लॉक लगाया हुआ है, की और हैमर हमने खोल दिया, फिर भी लॉक तुम्हारा। देखो फ्रांसिस, बियर ट्रैप रखे हुए हैं। हट, बियर ट्रैप के बच्चे, ये तो हमारे पाए हाथ का खेल है। फिर से चलते हैं। आई थिंक मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई, मैंने गन के साथ थोड़ी सी एक कमी छोड़ दी। हमें एक्चुअल में इसके आगे भी एक स्टॉपर लगाना है, ऑलरेडी हमें स्टॉपर ढूंढना है। एक बॉटल है इसके पास, उस बॉटल का स्टॉपर हमें चाहिए। पहले चलते हैं अंदर, चलते हैं किचन के अंदर एंड ढूंढते हैं यहाँ पे कहीं पे हमें बॉटल मिलती है। ओके, ये मिल गया हमें ओपन करने वाला बॉटल का ढक्कन, और ये रही बॉटल। फाइनली हम इसका ढक्कन ओपन करके ये ढक्कन लेके जा रहे हैं अपने साथ। ये ढक्कन हमें लगाना था जो हम भूल गए थे। मिस्टर बूंदू, एक ओ पीछे, अरे यार ये पीछे कैसे आ सकता है? इसको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ? बड़ा ही शैतान बनता है, और इसे पता लग जाता है मैं पैनिक सिचुएशन में हूँ। आई जस्ट डोंट वांट कि मुझे पकड़े और मेरा एक और बार फ्लॉप हो जाए यार पूरा प्लान। ऑलराइट, नहीं 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 पता लगा। बोर्ड फिर से उठाते हैं 9437 एंड दोबारा से वही सारे काम करने हैं। हमें गन के नक्शे को चेंज करना है, उसके अंदर पाउडर भरना है, बुलेट डालनी है, और उसके आगे बॉटल का ओपनर लगाना है। अभी हमें ब्लॉक करनी है बैरल पट में। तो ओ शिट, मैंने तो ढक्कन बाहर फेंक दिया। ऑलराइट, ये ढक्कन मिल गया, हम इसे वापस लेके जा रहे हैं। ये नीचे खड़ा है फ्रांसिस। ऑलराइट, अभी हमें सारे काम दोबारा से करने हैं। एंड ये मैंने उठा लिया पाउडर, पाउडर भर दिया इसके अंदर। ओके, बुलेट डाल दिए, और ये बंदूक अब मेरे ख्याल से तो पूरी तैयार है। अब मेरा प्लान फेल नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। मन तो कर रहा है इसकी गाड़ी लेके उठ जाओ, इतनी सही गाड़ी है यार, मजा आ रहा है चेकआउट करने में। अभी देखो आगे आगे और क्या क्या चीजें इसकी खराब कर दिया, थोड़ा मजा आता है मुझे इसके साथ। Alright, I am sure guys, आपको इसका पार्ट टू तो देखना ही होगा। I'm pretty sure, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग ब्रांड्स हैं। एंड अभी इसकी बैंड बजाते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर में हम मिस्टी की बैंड बजाएंगे। देखो फिर से आ गया अपने दबे दबे पैरों में, दबे दबे पांव में, आए मारने ये बर्ड को। इसकी हम बैंड बजाएंगे, इसकी गन बजाएंगे। Alright, Francis, मर ले अब तू। क्या ब्लास्ट हुआ है ये पूरा, देखो ऊपर से नीचे तक इसके कपड़े चिथड़ बिथड़ उड़ गए हैं। एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट गाइस, आज के लिए आई थिंक इससे ज्यादा प्रैंक्स मैं उस पर नहीं करना चाहूंगी, बेचारे की बैंड बजा दिया लिटरली। गाइस, आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू वंडर्स लाइव। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रांसिस पे और स्केरी टीचर दोनों पे प्रैंक्स करती रहूं ऐसे ही, तो आपको इस वीडियो को देना है 100K लाइक्स एंड कमेंट्स में जरूर बताना है मिस्टी पे प्रैंक करने में ज्यादा मजा आता है या फ्रांसिस पे या दोनों पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।